हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 9E। टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हमारे पास, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट, टी मीन्स टाइम। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। इसके बाद अगर हमने अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल जो होगा हमारा, उसमें जो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले वो ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर यहाँ से हमें ऐसे ही फाइंड करनी है तो हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर हमें अमाउंट दी हुई है, प्रिंसिपल दी हुई है, हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देखिए, पहले हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹600, टी मतलब टाइम, टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स, ईयर्स दिया हुआ है मतलब टाइम हो गया। आगे दिया हुआ परसेंट, जो परसेंट में दिया होगा वो होगा रेट, जहां पे पीछे परसेंट डाला होगा उसका मतलब होगा रेट। तो रेट हो गया 12 × 24 + 1 = 25/2% हमारा हो गया रेट। ठीक है, यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, रेट आ जाएगा 25/2%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। प्रिंसिपल दिया हुआ 600, आर रेट 25/2, टाइम 5 ईयर्स दिया हुआ है, अपॉन 100 लग जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, रेट दिया 25/2 नीचे लगेगा, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इन सभी को सॉल्व करके आ जाएगा ₹375। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ₹375। यहाँ से अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर देखा था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 600 है, सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाला है 375, दोनों को ऐड करके आ जाएगा ₹975। ये आ गया हमारा अमाउंट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 किया गया, अ फार्मर बोरोड ₹3600। बोरो किए, किसी से पैसे लिए हैं या बैंक में जमा करवाए हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या हो, प्रिंसिपल। जो हमें मनी दिया हुआ है वो है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, जो स्टार्टिंग मनी है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल। फार्मर ने बोरो किए ₹3600, रेट दिया 15% पर एनम एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, अगर टाइम दिया 4 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है, ही क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग 4000 एंड काउ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ काउ। फार्मर ने ₹3600 बोरो किए, फार्मर ने किसी से ₹3600 बोरो किए, ठीक है, उसका इंटरेस्ट दिया, कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, 15% पर एनम, मतलब पर एनम मतलब पूरे साल का। ठीक है, 4 ईयर्स के बाद उसने कैसे अपना अकाउंट क्लियर किया, उसने 4000 रुपए कैश दे दी और एक काउ दे दी। ठीक है, तो हमने काउ की कॉस्ट पता करनी है, काउ की कॉस्ट कितनी होगी। देखिए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 3600, रेट दिया हुआ 15%, टाइम दिया हुआ 4 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, इसको लगा के सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास ₹2160। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ये उसका इंटरेस्ट है जो उसने 3600 रुपए पे करना है। मतलब ये अमाउंट तो उसने पे करनी करनी है, जो उधार लिया वो तो पे करना करना है, साथ में उसने इंटरेस्ट लग गया, उसमें इंटरेस्ट कितना पे करना है उसने, ये एक्स्ट्रा अमाउंट उसने पे करनी है और, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जो मनी उसने बोरो की थी वो तो वापस करके करेगा, साथ में जो इंटरेस्ट लगा वो भी उसने वापस करना है। तो टोटल कितनी मनी वापस करनी है उसने, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 5760 उसने टोटल वापस करनी है। लेकिन उसने क्या बोला कि 4000 उसने कैश पे कर दिया, तो मनी पेड कितना होगा 4000। ठीक है, बाकी काउ की कॉस्ट रहेगी, एक और काउ दे दी उसने, 4000 उसने पे कर दिया, बाकी काउ दे के अपना पूरा चुका दिया उसने। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ काउ कितना हो जाएगा, 5760, 4000 माइनस कर देंगे कितना 1760 हो जाएगी, काओ कितनी कटी रुपीज 1760 रुपीज की। अगर देखिए, सेवंथ फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने क्या पता करना, रेट, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ ₹350 यील्ड्स ₹105 इंटरेस्ट इन 6 ईयर। ठीक है, स्टार्टिंग मनी हमारे क्या है ₹350। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल, उसको बोला है यील्ड्स मतलब बना रहा है 350, कितना इंटरेस्ट बना रहा है ₹105 एज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दिया हुआ उसमें, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ ₹105, टाइम दिया 6 ईयर्स, रेट हमने निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा, रेट का फॉर्मूला बनेगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू टी, ये वहीं से ड्राइव हुआ फॉर्मूला, दोबारा सिंपल इंटरेस्ट का था, ऐसा ही था पी आर टी बाय 100। अगर यहां से हमने रेट फाइंड करना है तो 100 ऊपर चला जाएगा और पी और टी दोनों नीचे आ जाएंगे, 100 ऊपर चला जाएगा यहां से, कैसे हो जाएगा देखिए, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू
टी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आर। पी और टी दोनों नीचे आ जाएंगे डिवाइड में, 100 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा आर। और अगर यहां से हमने टाइम निकालना, टाइम भी ऐसे निकालेंगे एस आई इंटू 100 चला जाएगा, दोनों पी और आर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे, तो यहां पे हमने रेट फाइंड करना है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो वैल्यूज हमारे हमें दी हुई है सारी, एस आई भी है, वैल्यूज हमें सारी दी हुई है 105 इंटू 100 अपॉन 350 इंटू 6। ठीक है, इन सभी को सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास आ जाएगा 5%। देखिए नेक्स्ट 8 का सेकंड पार्ट, फाइंड द टाइम। इसमें हमें टाइम निकालना है, फॉर्मूला वही है। ठीक है, तो यहां पे कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है रुपीज 500 दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है रुपीज 105 एज इंटरेस्ट, रेट दिया हुआ है 3/1/2, टाइम निकालना है। तो रेट हमें मिक्स में दिया हुआ है, इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 × 2 = 6 + 1 = 7/2% पर एनम हो जाएगा रेट। तो टाइम का फॉर्मूला क्या लगेगा, एस आई इंटू 100 पी इंटू आर, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू आर। एस आई हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, आर रेट हमें दिया हुआ है। देखिए अब ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, नीचे रेट हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में है, अपॉन मतलब डिवाइड में है। ठीक है, जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 7/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/7। तो इन सबको सॉल्व करके आ जाएगा टाइम 6 ईयर्स। आगे देखिए 10th क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 150 डबल इटसेल्फ एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितने सालों में जो रुपीज 150 है उसका डबल आ जाएगा, 150 का डबल हो जाएगा, कितने सालों में डबल होगा, रेट दिया हुआ 4% पर एनम। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया कितने सालों में 150 को डबल करना है, 150 को डबल करना है तो प्रिंसिपल हो जाएगा 150, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो गया आ रहा है पूरा कंप्लीट अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो अमाउंट हो जाएगा वो डबल हो गया इसका, कितने साल में डबल हो जाएगा ये, ठीक है वो निकालना, डबल हो गया 150 का डबल कितना हो गया, 2 × 150 = 300, रेट दिया हुआ है 4%। ठीक है, कितने सालों में यानी कि टाइम निकालना है, पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, सिंपल इंटरेस्ट पहले फाइंड कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का बोलना क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 300 - 150 कितना आ जाएगा 150, ए माइनस पी 300 - 150 कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 150, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला वही जो भी पीछे किया था, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, एस आई कितना हमारे पास 150, प्रिंसिपल भी एस आई इंटू 100, प्रिंसिपल भी 150 है इंटू 4। ठीक है, रेट दिया 4, 150 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25 ईयर्स, टाइम आ जाएगा 25 ईयर्स। ठीक है, आगे देखिए 11th, एट वट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। सेम क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, एट वट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इसमें रेट निकालना है, विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, इसमें हमें सम ऑफ मनी नहीं बताया कितना, इसमें हम खुद लेट कर लेंगे, हमने लेट कर लिया, लेट प्रिंसिपल इज 100, नहीं दिया हुआ आप कुछ भी लेट कर लीजिए, 100 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे 100 ले लिया। ठीक है, इसका डबल कितना आएगा 200, और हमारी अमाउंट हो जाएगी, डबल होकर आ रहा है तो 200 हमारी अमाउंट है। ठीक है, 200 आ जाएगा, 2 × 200 = 200, टाइम दिया हुआ 20 ईयर्स, रेट हमने फाइंड करना है। इसमें पहले ऐसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकाला था, ऐसे ही ए माइनस पी करके, यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ए माइनस पी 200 - 100 = 100 आ जाएगा। तो रेट का फॉर्मूला वही पिछले वाला, एस आई इंटू 100 पी इंटू टी, एस आई हमने वही फाइंड किया इंटू 100, प्रिंसिपल हमारा 100 लेट किया था, इंटू टाइम टी 20 ईयर्स दिया हुआ, 100 कट जाएगा 2500, रेट आ गया हमारे पास 5% पर एनम, ये हमारा रेट। बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।